कुमार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है, उनकी उनकी कोशिश ये भी है कि ये शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक हो, इन तैयारियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? और एक बड़ी संख्या में लोगों का वहां पर पहुंचने का इंतजाम करना, कार्यकर्ताओं के जिस तरह से स्वागत की तैयारियां की जा रही है, बताया जा रहा है कि 200 VVIPs भी शामिल हो सकते हैं, इन तैयारियों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत भव्य तैयारी है, दोनों तरफ से तैयारियां हैं। एक प्रशासनिक तैयारी है जिसकी जिस पर कल बैठक हुई, जिसमें ACS होम, ACS सूचना, इसके अलावा तमाम विभागों से जुड़े हुए जो प्रधान सचिव हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों ने एक बड़ी बैठक ली, जिसमें कि DGP, ADG लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम लोगों के साथ एक बैठक की गई। और दूसरी बड़ी बैठक संगठन की हुई, और संगठन की बैठक में संगठन महामंत्री, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और साथ साथ जितने भी संगठन के दूसरे महासचिव हैं, उन सभी लोगों की एक बड़ी बैठक हुई, दो पैरेलल बैठक हुई। और आपको बताएं कि एक चिट्ठी भी जारी हुई, और चिट्ठी जारी होकर के जितने भी जिला अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, इन तमाम लोगों को ये बताया गया है कि किस तरीके से जो 25 तारीख के पहले, यानी कि 24 तारीख से ही सेलिब्रेशन जगह जगह शुरू हो जाएगा, मंदिरों में घंट घड़ियाल बजाए जाएंगे, भजन के कार्यक्रम होंगे, और उसके बाद लोगों को फिर मोटिवेट किया जाएगा। कार्यकर्ता अलग अलग बसों के जरिए पहुंचेंगे कान्हा स्टेडियम लखनऊ, इसकी जिम्मेदारी वहां के स्थानीय विधायकों को दी गई है, जो संभावित मंत्री होंगे उन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो कार्यकर्ता जो आना चाहेंगे उन्हें लेकर के आएंगे। लेकिन बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए जाएंगे जिसके जरिए लोग शपथ ग्रहण देख सकेंगे। और सिर्फ ये लखनऊ में ही नहीं होगा, ये जिलों में भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इस भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह को पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो अपने घरों में देख सकती है, घरों में देखे, और अगर चौक चौराहों पर भी जो लोग मौजूद हैं उनके लिए LED स्क्रीन्स लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण है, इसे भव्यता दी जा रही है, ये सब कुछ बीजेपी इसलिए भी कर रही है ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में बीजेपी का जो डंका है यूं ही बजता रहे। बिल्कुल। और कुमार, एक और आपसे सवाल हम पूछना चाहेंगे, अगर दर्शकों के लिए आप बता सकें कि कान्हा स्टेडियम को विशेषतः क्यों चुना गया, क्या खासियत है स्टेडियम की? देखिए, कान्हा स्टेडियम इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम है। हालांकि जिस कान्हा स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण हो रहा है, जैसे ही इस बात की खबर आई, अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही स्टेडियम है जिसे उन्होंने बनवाया है। तो ये एक आइकॉनिक जगह है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कई ऐसी चीजें हैं जिसे जो बनकर तैयार हुए हैं, चाहे वो लोक भवन हो, चाहे वो कान्हा स्टेडियम हो। कान्हा स्टेडियम वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है, और इसे ही चुना गया है इस बार इस शपथ ग्रहण के लिए। इसकी भव्यता बहुत अलग तरह की दिखती है। अभी हाल में यहाँ पर भारत और भारत के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी अभी कुछ दिन पहले ही हुए हैं, कुछ हफ्ते पहले हुए हैं, चुनाव के बाद हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर स्टेडियम है, और इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि लखनऊ में अगर कहीं भी 50,000 लोगों को जुटाना है तो उसके लिए या तो जो बड़े पार्क मायावती ने बनवाए थे, उस तरीके के पार्क थे जिसमें पहला शपथ ग्रहण हुआ था, या फिर ये स्टेडियम। तो ये स्टेडियम कहीं ना कहीं इसे एक शोकेस करने की भी एक कोशिश है। योगी सरकार ने इस स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम रखा था जब सरकार बनी थी, उसके बाद इसका इनॉग्रेशन किया था योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने। तो इस स्टेडियम को इसलिए भी चुना गया है कि इसकी भव्यता दुनिया में दिखाई देगी, यानी कि शपथ ग्रहण के साथ साथ जब ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे और जब ये स्टेडियम के ऊपर उड़ेगा तो ये बहुत ही भव्यता देगा, विजुअली बहुत जबरदस्त नजर आएगा, और सबसे ज्यादा लोग एक साथ इन ब्लॉक अगर बैठे हुए दिखाई देंगे तो इस स्टेडियम में दिखाई देंगे। और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम, नेताओं की पूरी श्रृंखला, सब कुछ यहाँ से दिखाई देगी, और बीजेपी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी।